हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय डायरी। दोस्तों, क्या हो अगर कैस्पर ही रिची रिच हो जाए? कभी आपने सोचा है कि कैस्पर द फ्रेंडली होस्ट रिची रिच कार्टून का भूत भी हो सकता है? ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कहते हैं कि रिची रिच कार्टून जो है, जो कि एक बहुत अमीर बच्चा होता है, 8 से 10 साल के बीच एक अमीर घराने में पैदा होता है, बहुत नाजो नाम के साथ परवान चढ़ता है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, मगर इसके बावजूद उस बच्चे का एक दिन अचानक इंतकाल हो जाता है एक एक्सीडेंट में, और कहा जाता है कि उस एक्सीडेंट के पीछे उसके अपने ही पेरेंट्स का हाथ होता है। ये कहानी आगे बढ़ती है। ये कहानी तब सच मालूम होने लगती है जब सिम्पसन कार्टून के एपिसोड में, जिसका नाम 3 Men and a Comic Book होता है, जिसमें उस फैमिली के 2 बच्चे एक मैगजीन रीड करते हुए बातें करते हुए दिखाई देते हैं। एक बच्चा कहता है कि कैस्पर फ्रेंडली होस्ट दरअसल रिची रिच का भूत है। उसको उसके माँ बाप ने अपनी दौलत के इंश्योरेंस के लिए मरवा दिया था, जिसके बाद वो कैस्पर के भूत में तब्दील हो गया। जबकि दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं, रिची रिच दरअसल एक एक्सीडेंट में मर गया था, जिसके बाद वो कैस्पर में तब्दील हो गया। देखा जाए तो रिची रिच और कैस्पर काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं, और ये भी कहा जाता है कि रिची रिच को मरने के बाद दौलत की कोई तलब नहीं रही थी, जैसे कि आप कैस्पर कार्टून में देख सकते हैं। इस वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।